दिल्ली के प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से अत्यंत प्रेम करता था। वो उसकी प्रेमिका थी, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रारंभ से ही संबंध बहुत ही खराब चल रहे थे। और जब उसको पता चला कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है तो वो क्रोध से लाल हो गया और उसने अपनी पुत्री की शादी करने के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें बहुत सारे राजा आए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में नहीं बुलाया। उसको अपमानित करते हुए उसकी मूर्ति चौकीदार के रूप में बाहर रख दी गई। पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि संयोगिता की शादी हो रही है, स्वयंवर रचाया जा रहा है और मेरी मूर्ति को बार बनाकर चौकीदार के रूप में रख दिया, तो पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रोधित हुआ और वो घोड़े पर बैठकर स्वयंवर में चला गया और जयचंद के सामने उसकी पुत्री को घोड़े पर बिठाकर भगा ले गया। इस समय राजा जयचंद की हालत देखने लायक थी। वो क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पिता के सामने यदि उसकी बेटी को कोई उठा ले जाता है तो कितना क्रोधित होता है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में रिश्ते बहुत ही खराब हो गए और आगे चलकर इनके बीच में युद्ध भी हुआ। तो यदि फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं अगली वीडियो इस प्रकार की बनाऊँ।